नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं एसआरबी न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने डोर टू डोर जनसंपर्क शुरू कर दिया है, जिसके क्रम में उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खटीमा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी SS कलर ने डोर टू डोर जनसंपर्क कर आपकी नीतियों को बताते हुए लोगों से आपके पक्ष में वोट करने की अपील की। SS कलर ने घर घर जाकर जनसंपर्क किया और लोगों से आम आदमी पार्टी घोषणा पत्र के विषय में लोगों को बताया तथा उन्हें आम आदमी पार्टी को वोट करने के लिए आग्रह किया। बच्चों को मजदूरी से निकालना है तो झाड़ू पर वोट लगाना है, इसीलिए हम लिख के दे रहे हैं। डेली हम कर रहे हैं। मैंने आज खटीमा नगर में जो मेरे 2-3 वार्ड थे उनमें करा, मैंने 13 नंबर वार्ड में करा, 8 नंबर वार्ड में करा और इसमें बहुत अच्छा मेरे को लोगों का रुझान मिल रहा है और लोग पढ़े लिखे लोग जो है वो समझ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में कैसे काम करे हैं। उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही, गांव-गांव जाके तो समझाने की जरूरत कई जगह पड़ रही थी, जहाँ वो भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही। कह रहे हम अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की नीति के साथ हैं, वो ये कह रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।